गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ आज विकास मैथ मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 2. चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स में हमने ये 48 नंबर का पेज कंप्लीट कर दिया था लास्ट टाइम. ओके, और मैंने होमवर्क में दिया था आपको 1 to 5 टेबल. ओके, ये पैटर्न 49 वाला भी पेज कंप्लीट कर दिया है. अगर किसी ने नहीं किया है तो आपको वो वीडियो देख लेनी है होमवर्क वाली. और आज हम करेंगे एक्सटेंड द पैटर्न, मतलब कि यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर सर्कल है, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो इस तरह से आपको ये पैटर्न आगे बढ़ाना है. ओके, नाउ देखो यहाँ पर 1 है, ये 2, 1 2 1 2, तो नेक्स्ट होगा 1 and 2 एरो. ओके, अप एरो की. ओके, यहाँ पर 1 है, 2 3. ओके, तो फिर यहाँ पर 4 होंगे. ओके, इस तरह से 1 2 3 है, तो यहाँ पर 4 सर्कल और फिर 5 सर्कल. ओके, यहाँ पर देखो अप एरो की है, डाउन एरो की, अप डाउन, तो अप और डाउन एरो की. ओके, फिर ट्राइंगल 2 सर्कल, ट्राइंगल 2 सर्कल, तो फिर ट्राइंगल एंड 2 सर्कल. ओके, इस तरह से ये सारे आपको पैटर्न बनाने हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग. और आप अभी कर पे रहे हो तो अच्छे से इस तरह से कलर फिल करना है और बहुत ही अच्छे से आपको ड्रॉ करना है. चलो अभी ये सर्कल है, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सर्कल, और फिर नेक्स्ट स्क्वायर. ओके, आपको इस तरह से कलर फिट करना है. ओके, सर्कल में ब्राउन कलर एंड ये पिंक कलर. ओके, चलिए आप ये रुकी हैं, पहले 1 है रुकी है, फिर 2 1 2 या 1 2, तो यहाँ पर 1 and 2. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1 2 3, तो अभी नेक्स्ट 4 4, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 and 5. ओके, इस तरह से देखो यहाँ पर अप एरो की है, फिर डाउन, अप डाउन, तो यहाँ पर नेक्स्ट अप एरो की, वो भी 2. ओके, और यहाँ पर डाउन एरो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ट्राइंगल है, सर्कल ट्राइंगल सर्कल, तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्राइंगल और 2 सर्कल. ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दी. ओके, ये प्लेन, मतलब कि यहाँ पर ऑल ग्रीन कलर है, यहाँ पर ग्रीन एंड ऑरेंज 2 मिक्सिंग कलर है, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज एंड ग्रीन, तो यहाँ पर अभी इसमें टोटली ग्रीन कलर है. ओके, आपको कलर वाली पेंसिल यूज़ करना है और विद कलर के साथ आप ये करेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो ऑरेंज एंड ग्रीन, तो यहाँ पर 2 पार्ट भी कर देना है, ये 1 आधा पार्ट है जहाँ पर ऑरेंज कलर फिल करना है. ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन कलर फिल करना है. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो सेमी सर्कल है और इसमें येलो कलर फिल है. ओके, तो आपको भी इस तरह से येलो कलर फिल करना है. देखो ये आधा यहाँ पर. ओके, यहाँ पर इस तरह से, तो ये ऊपर की साइड होगा अभी. ओके, और फिर ये नीचे की ओर वाला. ओके, और इसमें येलो कलर फिल करना है. ओके, यहाँ पर
अभी लीफ यानी कि ऐसे डिज़ाइन है। तो देखो यहाँ पर ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू ऑरेंज, ओके ये इस तरह से है, ओके एक सीधा और एक उल्टा। तो यहाँ पर ओके और ये चलो इसमें आपको कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है फिर, ओके चलो यहाँ पर ब्लू कलर है, ऐसे कलर थोड़ा डार्क लेना है, ओके और फिर यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर पेंटागन है, देखो यहाँ एक उल्टा इस और इस तरह से है। तो अभी कौन सा होगा, ये वाला होगा यहाँ पर, ओके ओके आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ओके और आपको ये सारे कलर भी फील करना है, ओके नाउ अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर मेक अ पैटर्न बाय कलरिंग द टाइल्स गिवन बिलो डिफरेंट कलर, ओके देखो आपको बच्चों हमारे घर पे स्टाइल होती है ना, तो कलरिंग स्टाइल होती है, तो इस तरह से आपको इसमें कलर फील करना है, ओके आप अपने मनपसंद कलर फील कर सकते हो, बट ऐसे डिज़ाइन करनी है, ओके ये फर्स्ट आपको ही करना है। सेकेंड में भी देखो आप ये भी इस तरह से कलर फिल करना है, ओके और ये थर्ड में भी आपको है आपकी मनपसंद कलर फिल करना है, ओके नाउ समझ में आए बच्चों, इस तरह से मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया है आपको ये और ये, ओके आप बॉर्डर में भी कर सकते हैं, लाइक रेड कलर कर सकते हैं, ब्लू कलर कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे बॉर्डर भी कर सकते हैं, ओके अंडरस्टैंड इट। नाउ ये भी आपको अपने हिसाब से करना है, ओके नाउ नेक्स्ट चलो अभी यहाँ पर अरेंज द ग्रीन इन डिफरेंट वे एंड मेक द अनदर पैटर्न्स द एम्प्टी स्पेस गिवन बिलो। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ग्रिल की डिज़ाइन है, हमारे घर पर ग्रिल होती है ना, तो उसकी डिज़ाइन है, देखो ये दीवार है और उस पर ये ग्रिल है, तो इस तरह से हमें दूसरी ये एक पैटर्न गिवन है वो दूसरी यहाँ पर ड्रो करनी है, ओके मैं करके दिखाती हूँ आपको, अगर आपको और कोई दूसरा अच्छा लगता है तो आप वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ओके नाउ मैं करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दी है, तो आपको आपके हिसाब से आपको अच्छी लगे वही डिज़ाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ओके और ग्रिल की डिज़ाइन है, हमारे घर पे विंडो होती है और फिर डोर होता है, वहाँ पर हम आयरन की ग्रिल लगाते हैं, स्टील की ग्रिल लगाते हैं, ओके तो एल्युमिनियम की ग्रिल होती है, तो उसकी यहाँ पर डिज़ाइन है, ओके तो आपको ये डिज़ाइन आपके हिसाब से बनाना है, ओके चलो नाउ नेक्स्ट है पुट द क्रॉस ऑन द पैटर्न बिलो विच कैन नॉट मेड यूजिंग द ग्रिल, ओके चलो यहाँ पर देखो पुट क्रॉस ऑन द पैटर्न बिलो विच कैन नॉट मेड यूजिंग द ग्रिल, ओके इस तरह से ग्रिल की डिज़ाइन नहीं बनी है, बट ये सारी डिज़ाइन देखो ये फर्स्ट डिज़ाइन इसी तरह की है, ओके ये भी सेकंड भी इसी तरह की हैं, ओके और ये वाली भी डिज़ाइन देखो इसी तरह की हैं और ये भी देखो यहाँ पर इस तरह से, बट डिफरेंट वे से इसे अरेंज किया है, ओके बट ये डिज़ाइन है देखो यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसे यहाँ पर क्रॉस लगाना है, ओके समझ में आया बेटा बच्चों, ओके यहाँ पर इसे क्रॉस लगाना है क्योंकि ये अलग है, ओके ये भी अलग है, डिफरेंट है, ओके ये सारे सेम दिख रहे हैं। चलो नाउ विच पीसेस ऑफ द पैटर्न इज सुटेबल पुट राइट ऑन इट, चलो अभी ये एक पेपर कटिंग है ऐसे डिज़ाइन वाला, ओके तो इस रेट ने चूहे ने देखो यहाँ से थोड़ा काट दिया है, कट कर दिया है, तो इससे मेज वाले डिज़ाइन कौन से हैं देखो आप देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर फोर ऐसे बने हैं बिंदी येलो,
तो इसमें बहुत ज़्यादा है, इस पैटर्न से नहीं मैच कर रही, ओके, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं, बट ये पैटर्न मैच कर रही है, तो ये राइट है, ओके। तो यहाँ पर आपको राइट करना है, ओके। फिर नेक्स्ट डिज़ाइन है, मैच द टाइल्स गिविन इन द सेंटर विद द इट्स पैटर्न। अभी यहाँ पर मैच डिज़ाइन स्टाइल की डिज़ाइन है और जो सेंटर में भी गिवन है, ओके, तो विथ इस पैटर्न, तो मैच करना है इसको। चलो ये पैटर्न किससे मैच हो रही, इससे, तो ओके, यहाँ पर एक लाइन रोक के इसे मैच कर देना है। चलो ये पैटर्न किससे मैच हो रही, यहाँ पर, ओके, तो इसे यहाँ पर मैच कर देना है, ओके। अभी ये पैटर्न किससे मैच करें, तो इसको मैच करें, ओके। तो नाउ यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी और ये पैटर्न इसको मैच करिए, ओके। तो चलो मैंने अभी ये सारे पैटर्न्स मैच कर दिए, आपको भी कर देना है। चलो कंप्लीट द पैटर्न बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक बॉक्स। चलो यहाँ पर कंप्लीट करना है पैटर्न को, ओके। चलो यहाँ पर मैंने कलर पेंसिल ले ली है, आप भी कलर पेंसिल ले लीजिए आपके पास हो। देखो ये पर्पल कलर है और फिर येल्लो, पर्पल येल्लो, पर्पल येल्लो, पर्पल, ओके। फिर ग्रीन एंड ऑरेंज से ये डिज़ाइन बनी है। अभी थर्ड लाइन में देखो ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही, ओके, थर्ड लाइन कौन से, तो यहाँ पर हमें कौन सा कलर करना होगा, येल्लो, ओके। मैं आपको एक लाइन करके दिखाती हूँ, बाकी का आपका करना है, ओके। यहाँ पर येल्लो कलर करना है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर पर्पल कलर करना है, ओके, ये पर्पल कलर, नेक्स्ट यहाँ पर पर्पल कलर, ओके, फिर ये येल्लो कलर, ओके। आपको पूरा कंप्लीट करना है, ओके। मैं आपको ओनली थोड़ी दिखा रही हूँ कि क्या करना है, ओके, अंडरस्टैंड इट। अभी ये लाइन है देखो यही सेम है, ओके, तो यहाँ पर येल्लो कलर, इसमें इसमें इसके नीचे यहाँ पर येल्लो कलर और इसमें येल्लो कलर, ओके, आपको कंप्लीट करना है, ओके। नाउ ये पर्पल कलर और ये, ओके, और यहाँ पर ये कलर, ओके। अगर आपके पास ये पर्पल कलर नहीं है तो आप थोड़ा लाइट कलर यूज़ कर सकते हो, ओके। इस तरह से पूरे बॉक्स में आपको ये कलर सारे फील करना है, ओके, समझ में आया बच्चों। चलो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ऑरेंज एंड ग्रीन कलर, ओके, डार्क ग्रीन है, ओके, यहाँ पर ऑरेंज, देखो यहाँ पर ऑरेंज और ये ग्रीन, ओके, तो ये आधे पार्ट में हमने ग्रीन कलर करना है, डार्क ग्रीन, ओके। चलो ये ग्रीन कलर हो गया। अभी यहाँ पर देखो ये आधा पार्ट, ओके, ऊपर वाला पोर्शन है जो ग्रीन कलर करना है, ओके। अभी यहाँ पर कि ये पार्ट में भी ग्रीन कलर होगा, और ये चलो अभी एक ये, चलो नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर अभी ऑरेंज कलर लेना है, ये नीचे वाला जो पोर्शन बच गए हैं वहाँ पर ऑरेंज कलर, फील करना है, ओके, आपको अच्छी तरह कलर फील करना है, ओके। पहले आप टिक आउट कर दो, फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में आप अच्छी तरह कलर फील करना है, ओके, अंडरस्टैंड इट। कलर नहीं है तो पेंसिल कलर आपको
ले लेना है, परचेस कर देना है। ओके चलो इस तरह से आपको फील करना है। चलो नेक्स्ट नीचे वाली डिज़ाइन है, यहाँ पर भी देखो ये ब्लू कलर है। ओके तो ब्लू कलर और आपको इसमें थोड़ा लाइट ग्रीन जैसा है थोड़ा, देखो ये इस तरह से डिज़ाइन बॉक्स बना देना है पहले। ओके इस तरह से, फिर ये बीच वाला जो पोर्शन बच रहा है यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर फिल करना है। ओके नीचे भी इसी तरह है देखो, चलो मैं यहाँ पर आपको कलर ये फिल करके दिखा देती हूँ। ओके यहाँ पर ब्लू कलर करना है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। ओके कौन सा कलर फिल करना है, बट ये कलर है तो यहाँ पर फिल करना है और ये ग्रीन कलर में इसे थोड़ा ग्रीन जैसा है ना, तो यहाँ पर मेरे पास ये डार्क ग्रीन है तो मैं ये ग्रीन कलर यहाँ पर ले ले रही हूँ। ओके लाइट ग्रीन, और इसमें भी यही कलर। अगर आपके पास इस तरह का कलर है तो आप वो ले सकते हो। ओके मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके बच्चों तो मैंने ये थोड़ा मिलता जुलता कलर है उससे, अभी यहाँ पर भी ये कलर होगा। चलो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा इस तरह का यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। इस पोर्शन में भी ग्रीन कलर करना है।
जो बाकी पोर्शन बचा है यहाँ पर आपको ब्लू कलर कर देना है। ओके, आपको अच्छी तरह करना है बच्चों। ओके, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर देना है। ओके, चलो नाउ अभी नेक्स्ट ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको ये अपने आप होमवर्क में करना है। ओके, ये होमवर्क में करना है। ओके, देखो यहाँ पर एक्सटेंड पैटर्न एंड कलर इट। ओके, यहाँ पर ये लीफ की डिज़ाइन है। ओके, ये अप वाली, यहाँ से देखो आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से अभी ये अप डाउन है, तो यहाँ पर इस तरह से। ओके, फिर ये लीफ इस नीचे की ओर, ओके, तो इस तरह से आपको ये सारे पैटर्न देखो कंप्लीट करनी है, दो देख देख। ओके, तो ये होमवर्क रहेगा बच्चों, ये आपको करना है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 55 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। ये होमवर्क रहेगा। ओके, ये पेज होमवर्क रहेगा, समझना है और अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको ड्रॉ करना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।